उठाओ इसे, निकलो यहां से जल्दी। पसीने की कमी थी सर, बहुत जल्दी खाने पीने को कुछ नहीं, और अब तीर फेंक रहे हमारे ऊपर। जल्दी पंकज, पंकज, ओह नो, तीर लगा इसे। तेरा ब्लड तेरी खाने में। सब साथ में रहेंगे, कोई नहीं जाएगा। तीर निकालो जल्दी। नहीं, तो जल्दी ना पहुंच जाओ मेरा। पंकज आराम से, कुछ नहीं होगा। पंकज कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी चलो। नक्शे को देखकर मेरा दिमाग घूम गया सर, चारों तरफ पानी पानी है, चाहे लेफ्ट जाओ या राइट, पता कैसे चलेगा सर हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इस कंपास के जरिए फ्रेडी, इस कंपास के जरिए हम उस टापू तक पहुंच जाएंगे, शिकार हाउडी तक। अब तक तो आ जाना चाहिए। वो देखिए वहां कहीं नई शिकार हाउडी तो नहीं है। फिर जरा मैप देखो सर। हाँ वही है, वही है शिकार हाउडी, खतरनाक टापू। ओ सचिन, लगता है समुद्री तूफान आने वाला है, बहुत जल्दी। समुद्री तूफान, माय गॉड, वो देखो तूफान सामने से आ रहा है। चलो पीछे चलो, संभल के फ्रेडी। पश्चिम दिशा में लो। सब मौसम तो और खराब हो रहा है। सर कहीं वो तीर चलाने वाले लोग वही तो नहीं जिन्होंने सालों के सर को कैद करके रखा है? हो सकता है पूर्वी, वो लोग हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं, मैं डॉक्टर सालों के लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर मुझे तो ऐसी जगह तीर मारा है जिसके बारे में आपको बता भी नहीं सकता हूँ। सर फिक्र मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगे, उठो खड़े जाओ। सर हाँ, सूरज डूबने वाला है, जंगल में खतरा भी है, रात के अंधेरे में हम भटक न जाए। हाँ रजत, अंधेरा होने वाला है, अब जो कुछ भी होगा कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही होगा। सर ये आवाज कैसी?
और ये मौसम अचानक बदल कैसे? ऐसी आवाज तो मैंने कभी नहीं सुनी सर, कभी नहीं। सर ऐसा लग रहा है कि शेर के पेट में चूहे कूद रहे सर, इसलिए वो ऐसे चिल्ला रहा है। लगता है कोई जानवर, कोई जंगली जानवर हमारी तरफ आ रहा है। एक बात कान खोल के सुना, कोई भी गोली नहीं चलाएगा जानवर पर, सिर्फ आग जलाएंगे और हवाई फायरिंग करेंगे उन्हें वापस जंगल में भेजने के लिए, ठीक है? और एक साथ रहना सब। सर, वो देखिए, आपने जितना बड़ा भेड़िया। कहाँ? भेड़िया? हाथी जितना बड़ा भेड़िया? ये कैसे हो सकता? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने अभी देखा है सर। सर सर शायद पंकज सिंह कह रहा है सर, इतना बड़ा जानवर मैंने भी देखा सर, अभी अभी यहीं पर सर। सर शायद मैंने भी देखा सर। एक काम करो सब, तुम इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ जल्दी। सजीत तार लो, जल्दी जल्दी तार लो, चल देखो पकड़ो फिर। हाँ घबराओ मत, मेरे पकड़ो से। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम लोग है ना, आ जाओ। हाथ पर झाड़ो, संभालो। अच्छा हुआ सर आपने मुझे बता दिया, वरना वरना मेरी वाइफ विधवा हो जाती है। चल चल उठो। तो बढ़ते जा रहे हैं, हमने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ सचिन, लेकिन हम सीआईडी वालों ने ऐसे तूफान बहुत देखे हैं, इसे भी पार कर लेंगे। चलो अंदर संभल के प्रणय। ठीक हो? हाँ सर। एक मिनट, हम इसे एक साथ जाके उस जानवर का काम आसान नहीं कर सकते, हम इसे कंफ्यूज करना है। रजत एक काम करो, तुम और निखिल इस तरफ जाओ, पूर्वी पंकज इस तरफ जाओ, मैं सीधे जाता हूँ। और हाँ कल सुबह यही इसी जगह पे मिलना है, ठीक है? चलो। यस सर। लगता है कोई बहुत भयानक जानवर है। क्यों निखिल, डर लग रहा? नहीं सर, गाँव में इससे बड़े बड़े जानवरों से कुश्ती लड़ चुका हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा कुश्ती लड़ी? हाँ। इधर से। अरे कहाँ आ गए हो? निकल रुको। निकल निकल, घबरा मत, मैं भी कुछ करता हूँ। सर एक काम करो, अपना हाथ सर
दो। निखिल अपना हाथ दो, इस आवाज के घर ऊपर हाथ दो। निखिल अपना हाथ दो, नीचे मत देखो, अपना हाथ दो। निखिल निखिल ट्राई ऊपर, निखिल हाथ दो। समझ गया, चलो। सर कोशिश कीजिए सर, कुछ नहीं होगा सर आपको। निखिल मेरी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मत समझना, याद रखना ये सिर्फ एक हादसा था। सर सर ऐसी बातें मत कीजिए सर, आप कोशिश कीजिए सर, आप दीजिए सर, और मेरे घर वालों को खबर कर देना कि रजत ड्यूटी पर मरा था। सर कुछ नहीं हो, सर सर पानी रेडी, आंखें खोलो।
आंखें खोलो। सर 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 सर, ये कौन सी जगह है सर? हम लोग यहाँ कैसे आ गए? रेडी, तूफान में हमारी बोट टकरा गई पत्थरों से और हम यहाँ फेंके गए। चलो सचिन को ढूंढो, श्रेया देखो कहाँ पर है। सचिन, श्रेया, सचिन, 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 सचिन आप क्यों? ठीक हो श्रेया? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। हम कहाँ हैं सर? शिकार हाउडी के टापू पे। सर, और तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं है और ये कंपास भी काम नहीं कर रहा, और तो और ये बोट भी टूट गई। उन तक पहुंचेंगे कैसे सर? गंद भी बहेगी पानी में, अब क्या करें? अब क्या करें? रेडी, हम सीआईडी वाले हैं, इसलिए यहाँ आए। डॉक्टर सारंग के, दया, बाकी सब लोगों को ढूंढने, इन सबको ढूंढ निकालेंगे और सही सलामत वापस भी ले जाएंगे। जाने उस जानवर के पैरों के निशान कहाँ गायब हो गए? कल रात इतनी बारिश भी नहीं हुई तो निशान मिट जाए। पता नहीं वो जानवर कैसा है। क्या हुआ रजत को? सर, कल वो मुझे बचाने के चक्कर में सर की जान चली गई। सर, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सर, तुमने से ढूंढा? सर, सारी रात ढूंढा सर, लेकिन वो कहीं नहीं मिले सर। निकल, रात के अंधेरे की वजह से तुमने उसे देखा नहीं होगा। अब सुबह हो गई है, चलो अब चल के देखते हैं। कहाँ पे हुआ सर? इधर है सर, चलो आ जाओ।
रजत यहाँ से नीचे गिरा था? हाँ सर, सर मुझे बचाते वक्त यहीं से नीचे गिर गए थे सर। जब वो गिर रहे थे तो उनके जो आखिरी शब्द थे सर, वो अभी मेरे कानों में गूंज रहे हैं सर। मेरी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मत समझना। आप कोशिश करिए सर, आप भी और मेरे घर वालों को खबर कर देना कि रजत ड्यूटी पर मरा था। सर सोच रहे हो सर? रजत सर, रजत कैसा? चलो नीचे चल के देखते हैं। ओह नो, ओह नो, इंसान को जलाकर खाने की कोशिश की गई है सर। सर रजत सरकारी कार्ड से। रजत सर, ये हड्डी सर, सर कहीं रजत सर को कुछ जेल में नरभक्षी है, लोगों को जला के खाते हैं। नहीं, रजत को कुछ नहीं हुआ होगा सर। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। सर पहले पंकज और पूर्वी गायब हो गए, अब रजत सर। सर निखिल, आम इंसान की तरह मत सोचो, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, बी पॉजिटिव सर। एक काम करो, तुम नीचे जाके रजत को ढूंढो, तब तक मैं ऊपर पंकज पूर्वी और डॉक्टर सालों को ढूंढता हूँ। और हाँ, सूर्यास्त से पहले यहीं मिलते हैं सर। जाओ। जानवर का है, जानवर का है वो। जानवर, जानवर शायद चला गया। ऐसा निखिल कहाँ है ये लोग? किसी का कुछ पता नहीं है, हमारी टीम हमसे कल बिछड़ गई, पता नहीं सारे लोग कहाँ पर हैं। बिछड़ गए पूर्वी, अब क्या होगा? तुम लोग सब मर जाएंगे पूर्वी। नहीं कर, देखो हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। वो लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, हमें भी उन्हें ढूंढना चाहिए। नहीं, हम लोग यही रुकते हैं। वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं, हम लोग उन्हें ढूंढने जाएंगे, कोई किसी को नहीं मिलेगा। हम लोग यही रहते हैं इस पेड़ के नीचे। पंकज देखो, ये जंगल ना बहुत खतरनाक है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई जंगली जानवर कहीं से भी आ सकता है। हमें चलते रहना चाहिए। चलो चलो। मुजरिमों को भी डॉक्टर सालुंगे को किडनैप करके यही लाना था। पंकज क्या क्या हुआ? पूर्वी, हम लोग इस लाइन से कभी बच के नहीं आ पाएंगे। ऐसा लगता है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है।
हुई। पंकज, पंकज उर्वी, चार गोलियां। चलते चलते 6-7 घंटे हो चुके, ना तो सालों के साहब का कहीं पता चला और ना ही दया सर का पता लगा। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारते हम, ढूंढेंगे, मिलेंगे जरूर वो लोग। सर मेरी तो भूख और प्यास के मारे हालत खराब हो गई है सर, ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी चक्कर खा के बेहोश हो जाऊंगा। कुत्ते होगा तुम्हें फ्रेडी, चलते रहो। सर सर इस तरफ से पानी के बहने की आवाज आ रही है। हाँ, आ तो रही है यहाँ से आवाज, चलो देखते हैं। सचिन रेडी, पी लो पानी, संभाल के श्रेया। पानी पीने से थोड़ी राहत तो मिली, कुछ खाने को मिल जाता तो। सर वो देखिए फल, फल अजीब से फल है सर। अजीब फल? हाँ है तो बड़े अजीब से फल, मगर अजीब तरह से सजा के भी रखे जंगल में। रेडी रेडी कहाँ जा रहे हो? रेडी रेडी रुक जाओ, रेडी रुक जाओ। ठीक हो सर? रजत सर, इतना सारा खून कहीं ये रजत सर को? सर सर रजत सर, तो किसी जानवर के बारे में जान है, कहीं वही जानवर तो नहीं? सर आ, आ।
सर सर तो राजेश्वर की शर्ट का कपड़ा सर सर अरे सर सर भूख की वजह से मैं बहक गया था सर। मैंने सोचा ही नहीं था कि इन फलों में कुछ खतरा हो सकता है। सर ये काम जरूर उन्हीं लोगों का जिन्होंने डॉक्टर सालुंखे को अगवा करके रखा। आश्रेया हम पर नजर रखे हुए हैं वो लोग। फिर तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि हम लोग बच गए पर हमें मारने की दोबारा कोशिश करेंगे सर। बोला अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है ना। उठाओ ये लाठियां उठाओ। अब देखते हैं चल संभल और फ्रेडी एक बात बताना मुझे है? सीआईडी के ट्रेनिंग में सिखाया था ना कि जंगल में ऐसे हालत में कैसे जीते हैं क्या खा के जीते हैं। हाँ सर। फिर अगर भूख लगे तो ये जंगली पत्ते ये खा सकते हो तुम। थैंक यू सर। सर आप भी थोड़ा खा लीजिए। हाँ फ्रेडी मेरी चिंता मत करो इस वक्त तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही भूख। चलो देखो देखो जरा आसपास देखो शायद पैरों के निशान भी होंगे। हाँ सर ये क्या है? गन के शेल्स? सर ये शेल्स तो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहे हैं। वही तो ये तो पुराने जमाने के शेल्स हैं। पुराने जमाने के लेकिन इतने पुराने जमाने के शेल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मान लिया कि कोई अगर उस जमाने में यहाँ पर आया था तो फिर इस टापू का इस शिकार हाउडी का नाम नक्शे में क्यों नहीं? नक्शे में क्यों नहीं? एक मिनट मैं देखता हूँ कंपस चालू है भी या नहीं। नहीं अभी भी चालू नहीं है कंपस। ये देखो और भी शेल्स हैं। ये लो पकड़े। देखते हैं आगे भी शेल है क्या और ये शेल्स कहां तक हमें ले जाते हैं। चलो आ जाओ। ये तो डॉक्टर सालुंखे का है। सर
जल्दी है सर। सर ये क्या हुआ सर, इतना सारा खून सर? वो एक तीर लगा सर। सर सर आप बैठ जाइए सर। सर आप खून बहुत बह रहा सर, प्लीज आप बैठ जाइए सर। नहीं कुछ नहीं होगा, रजत का कुछ बताते ना सर। उनकी ये शर्ट मिली है सर, खून से भीगी हुई सर। नजर रखना, कोई निशान मिलता है क्या? सर हाँ, गोलियों के शेल आगे तो कहीं दिख नहीं रहे। हाँ फ्रेडी, लगता तो ऐसा ही है, शेल का ट्रेल तो खत्म हो गया, लेकिन देखते हैं कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा यहाँ, ऐसे लग रहा है। संभल के ध्यान से सर। हाँ ये देखिए सर, तो ताजा खून है सर। ये खून कहीं अपने ऑफिसर में से किसी का तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, मुझे नहीं लगता। लोग झुंड में होंगे, किसी एक ऑफिसर पर अटैक नहीं करेंगे। चलो देखते हैं। ये देखो यहां पर भी गिरा, एक और ये देखो। चलो आगे देखते हैं। वो देखो, लेट्स गो। सबके जूते दिखाई पड़ रहे हैं सर। कहीं सालों के सर को यहीं पे बंदी तो नहीं बना के रखा? हाँ हो सकता है, अरे अंदर कोई है? देखो हम लोग सीआईडी वाले हैं, मैं अंदर जाके देखता हूं। संभल के रेडी, तुमने दरवाजा बंद कर दिया? सॉरी सर, दरवाजे का वजन बहुत भारी है सर। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे हम। है क्या ये सर? हाँ सर, लालटेन। लालटेन पुराने जमाने का लगता है। अगर लालटेन है तो फिर मैच बॉक्स भी होनी चाहिए। देखो देखो जरा कोने मीने में देखो, ये क्या है? लगता माचिस ही है सर। ये नहीं माचिस, तो जलाओ इसे, देखते हैं सर। माचिस तो देखो, माय गॉड, 1942 1942 की मैच बॉक्स। कमाल है सर, 70 साल पुरानी माचिस का बारूद अभी भी कमजोर नहीं हुआ। वही तो है ना, अजीब बात। चलो लालटेन मिल गया है, अब जूते ढूंढते हैं जो हमें ऊपर से दिखाई पड़े सर। कहीं होनी चाहिए सर। ये देखिए सर, जूता भी और यहाँ पे कंकाल पड़ा हुआ है, स्केलेट। हाँ कंकाल। सचिन इस कंकाल को यहाँ ला सर, लाओ यहाँ पर। सचिन तो किसी सेना का मिलना है सर। लगता है किसी सैनिक का है। हाँ
सैनिक ही है बेटा, और मेसी सैनिक 1942, ये देखो पुरानी बंदूकें भी है। लेकिन सर, किसी दूसरे देश का सैनिक हमारे देश में आके ऐसे बंकर क्यों बनाएगा? वही तो। अरे बाप रे सर, यहाँ पे तो और भी कंकाल है। इतने सारे कंकाल, यहां पर भी पुराने राइफल्स, पिस्टल्स। लेकिन सर, इन लोगों के पास तो बंदूकें थी, सारे हथियार थे, लेकिन फिर भी किसी ने इन्हें तीर से मारा, ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आता है ना, बड़ी अजीब बात। ये कुछ और ही चक्कर लगता है मुझे, कैसे हो सकता है? कोई आ रहा है सर, कहीं वो तीर चलाने वाले लोग तो नहीं है? आगे तो दो, फिर देखते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।